नमस्कार। खबरों की दुनिया में इस समय एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जो देखते ही देखते सुर्खियां बन चुकी है। हर किसी की जुबान पर बस इसी तस्वीर का जिक्र है। इस तस्वीर को आप भी ध्यान से देखिए। पीला कुर्ता, सफेद पाजामा और पालकी में बैठा शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब आपको नजर आ रहा होगा। यही तस्वीर हर चार के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा इसलिए नहीं हो रही कि ओसामा शहाब पालकी में बैठा हुआ है, बल्कि चर्चा इसलिए हो रही है कि ओसामा शहाब जिस जगह पालकी में बैठा हुआ है वो जगह कोई और नहीं बल्कि माँ वैष्णो का धाम है। इस तस्वीर को देखने के बाद हिंदू मुस्लिम करने वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब शुक्रवार को वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे। वो अपने दोस्तों के साथ कटरा गए और फिर माँ वैष्णो धाम के लिए रवाना हो गए। वो इस दौरान पालकी में बैठे हुए नजर आए और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई। गौर हो कि ओसामा अपने पिता की मृत्यु के बाद राजनीति में सक्रिय हो गए। वो राजनीति के हर दांव पेच भी चलाना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का निधन दिल्ली के एक अस्पताल में हो गया था। कोरोना की वजह से तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। 2004 में हुए डबल मर्डर केस में शहाबुद्दीन जेल की सजा काट रहे थे। 2018 से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। सिवान की राजनीति में अब भी शहाबुद्दीन के परिवार का दबदबा है। पूर्व सांसद के निधन के बाद कई सियासी रसूखदारों ने सिवान जाकर ओसामा से मुलाकात की थी। इसमें तकरीबन सभी दलों के नेता शामिल रहे। हालांकि शहाबुद्दीन का परिवार पारंपरिक तौर पर लालू यादव से जुड़ा रहा है, मगर माना जा रहा है कि इधर दोनों परिवारों के बीच नाराजगी बढ़ी है। लेकिन कभी भी शहाबुद्दीन के परिवार की ओर से सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। शहाबुद्दीन की मौत के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार शहाबुद्दीन की विरासत को कौन संभालेगा, लेकिन ओसामा ने विरासत की बागडोर अपने हाथों में लेकर तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। फिलहाल वायरल हो रही इस तस्वीर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।